जी शुरू से अच्छा खेल रहे थे, T20 जैसे हमने जीत लिया, और ODI दो हम नहीं जीत पाए बट लास्ट हमने ही जीता, तो काफ़ी खुशी हुई है। आइंदा क्या मतलब कुछ बेहतरी की इसमें क्या करना चाहिए ताकि ये बड़े मैच खेल सके? सबसे पहले तो ऑडियंस को आना चाहिए, क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, उससे ही मोटिवेट होती है टीम। तो मैं यही कहूँगी कि बेशक पाकिस्तानी वुमेंस टीम है तो आए सपोर्ट करें टीम को, आप लोग नहीं आएंगे तो इम्प्रेशन अच्छा तो नहीं पड़ेगा, तो प्लीज़ आएँ, आप लोग थोड़ा सा टाइम दे दें, वुमेन टीम को भी इज्जत दे दें, प्लीज़ आ जाएँ, थैंक यू। खवातीन वाला इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की लड़कियाँ बड़ी अच्छी खेली हैं और बड़े सही तरीके से खेली हैं आज, आज इंशाल्लाह मैच बड़े सही जीते हैं आज। मैच जीत गए, अच्छा। हाँ, T20 सीरीज जीती है, एक वनडे भी जीत लिया, चलो हाँ हार गए, हाँ सीरियस तो हार गए, अभी अभी देखेंगे इंशाल्लाह, मेहनत कर रहे हैं ये जीत जाएंगे, अभी आगे भी फतेह करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा खेली है। क्या क्यों क्या हुआ बताओ ना सारा। मेरे को बहुत ही बिस्मा मारूफ ने परफॉर्मेंस दी है ना, वो बहुत अच्छी लगी है। अच्छा अच्छी लगी है जी। अच्छा लेकिन ये पिछले दो मैचेस में तो बिल्कुल जिस तरह ना सिर्फ ये 120 रन और 130 रन। हाँ वो हो जाता है इंशाल्लाह, आगे मैच आएंगे फिर वो कम बैक कर लेंगे। अच्छा कम बैक कर लेंगे जी जी। सीधी सीधी ये है कि पहले दो मैच जिस तरह ये हम हारे थे, ठीक है, पाकिस्तान वुमेन टीम हारी थी, और तीसरा मैच ये लोग नहीं हारे, इससे इज्जत बच गई है कि हम लोग वाइट वॉश नहीं हुए, ठीक है, तो इनको और मेहनत की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे हमारे मेंस टीम भी अच्छा खेल रही है उसी तरह वुमेंस को भी खेलना चाहिए, ताकि जिस तरह मेंस की क्राउड आता है मेंस के मैच में उसी तरह वुमेंस का भी आना चाहिए, तो बस यही कहना था। ठीक है आप बताइए। मैच बहुत ज़बरदस्त रहा है और साउथ अफ्रीका को मैं दिल से थैंक यू कहूँगा कि वो आए हैं और उन्होंने इतना जो है वो हमने दिखाई है हॉस्पिटैलिटी, तो मैं इन फ्यूचर भी चाहूँगा कि स्पेशली वुमेन सीरीज़ के जो हैं वो मैच ना कि सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद में भी होने चाहिए, और जिस तरह जो है हम वाइट वॉश से बचे हैं, बस इसी तरह जो है मैं यही कहूँगा अगले जो जिनके भी सीरीज़ वगैरह T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं इसी तरह परफॉर्मेंस दें, और स्पेशली मैं निधा धारगढ़ थैंक यू करूँगा कि जिस तरह वो ले कर चली टीम को थ्रू आउट टूर्नामेंट, तो मैं कहूँगा ये बिग अचीवमेंट है वुमेंस के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जीत गया, बड़ा अच्छी बात है कि पाकिस्तान जीत गया और मज़ा आया कि हमें मैच अच्छा लगा, हमने अंदर देखा भी, हमने बाहर भी ड्यूटी दी और आवाम इतनी नहीं आई, ये बात थोड़ा सा हुआ कि यार आवाम आनी चाहिए थी, और अच्छा लगता कि अगर मर्द भी आते, औरतें भी आती, फैमिलीज आती हैं, अच्छा लगता कि हमारी पाकिस्तान वुमेन टीम भी प्रमोट की जाए, और सोशल मीडिया पे भी इतना नहीं बताया जाता, लेकिन ये है कि पाकिस्तान अपना नाम रोशन करता है, जैसे हमारी T20 जीते हैं, और अभी ODI बेशक हम हार गए लेकिन एक मैच ज़रूर जीते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने उनको टफ टाइम नहीं दिया, जीते हैं। वाइट वॉश नहीं करने दिया, वाइट वॉश नहीं करने दिया, ऐसा ही है जैसे हमने साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया है, तो इतना इतने जली वो हारे नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा मैच दिया। पाकिस्तान की टीम अच्छा जीती है, ये पाकिस्तान मैच हार जाती, अफ्रीका आई हुई थी, मेज़बानी कर रही थी, पाकिस्तान मेज़बान कर रही थी, जाते जाते अफ्रीका ने एक मैच इनको दे दिया ताकि ये पाकिस्तान जीत जाए। पाकिस्तान ने कुछ भी अच्छा नहीं किया, बस ये है कि अफ्रीका खुद हार गई है।